आज के इस कार्यक्रम में श्रीमान सिंधवाल जी एवं श्री शुभम प्रधान जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पहले मैं विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य से निवेदन करूंगा कि आज के इस करियर एवं काउंसलिंग कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन करने की कृपा की। सम्मानीय न चाहवानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्। माँ सरस्वती के चित्र पर शुभम प्रधान जी एवं हमारे विद्यालय के विद्वान शिक्षकों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन का ये कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित IHM हरिद्वार के प्रधान जी, टारगेट क्लासेस के यहाँ पे जो हमारे उपस्थित प्रतिनिधि हैं, शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी रावत जी ने बताया आपको करियर एंड काउंसलिंग। अब आप ये बताइए कि आप लोग एक अच्छी तरह से हम कर सकें, ठीक है ना। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है और उसके लिए हमें चाहिए धन की आवश्यकता है। धन के लिए चाहे आप नौकरी करिए, चाहे बिजनेस करिए, चाहे और भी काम है उनको करिए और अच्छे से करिए। तो कुल मिलाकर के करियर एंड काउंसलिंग का ये जो सत्र है आपको यहाँ पे हैं बताएंगे, इनके किसी इंस्टीट्यूट से आए हैं, इनके पास भी कुछ कोर्सेज हैं उसके बारे में बताएंगे। एक टारगेट क्लासेस से है कि तैयारी कराते हैं बच्चों को, कितनी मेहनत होती है, क्या क्या विषय होता है, यहाँ दो तीन साल से कोरोना आने के कारण रमसा वालों ने किताबें उपलब्ध नहीं कराई, नहीं तो इस प्रकार की किताबें हमने प्रत्येक बच्चे को दी थी जिसमें कैरियर से संबंधित सारी जानकारी है कि कौन से बच्चे को कौन सा कैरियर अपनी क्षमता के अनुसार चुनना चाहिए। हमारे स्कूल में क्या होता है कि 9th क्लास के बाद बच्चों का यही नहीं पता होता, ना उनके माँ बाप को पता होता कि बच्चा आगे जाके करेगा क्या, ना बच्चे को पता होता। सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू होती है कि हमें आगे करना है क्या, हमें कौन से विषय लेने हैं, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है। अब सरकार ने तुम्हारे लिए व्यावसायिक शिक्षा भी शुरू कर दी है। क्यों करिए व्यावसायिक शिक्षा? इसलिए करिए ताकि तुम्हारा रुझान उसकी तरफ बढ़े और तुम अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो सको। जैसे हमारे विद्यालय में IT है, कई विद्यालयों में आपका फोटोग्राफी भी आ गया, मैकेनिकल भी आ गया, कई इलेक्ट्रिकल भी आ रखा है, ठीक है ना। हर विद्यालय में सरकार जो नई शिक्षा नीति आपकी 2020 की लागू हो रही है उसमें बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है ताकि बच्चे कैरियर के प्रति सजग रहे और आगे सोचे कि उन्हें करना क्या है, ठीक है ना। बहुत बच्चे IT की तरफ जाएंगे तो 9th क्लास से उनको पता होना चाहिए कि इसमें हमें करना क्या आगे का। सर की मैं थोड़ा सा बता रहे थे सर, एक ताज ऐसा होटल था जिसने कोरोना काल में पूरी सैलरी दी बेटा, पूरी सैलरी। रतन टाटा को जानते होंगे तो उन्हीं का है ये ताज होटल। कुछ होटल्स ने सैलरी को काटा लेकिन ताज एक ऐसा होटल है जिसने सैलरी पूरी दी कोरोना काल में भी। मेरे कम से कम 45 स्टूडेंट्स का इस ईयर ताज में सिलेक्शन हुआ है, ताज होटल में सिलेक्शन हुआ है मेरे बच्चों का। और 3 बच्चे मेरे ऐसे थे इस बार ताज फलक नुमा पहली सेवे का, आपको इतना आइडिया नहीं है लेकिन मैं बताता हूं।
ताज फलक नुमा पैलेस हैदराबाद का ऐसा होटल है ताज का, जिसका एक रात का किराया 8,40,000 रुपए, 8,40,000 टैरिफ। मेरे 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उस होटल में, और वो बोलते हैं नॉर्थ इंडिया के वही लड़के हैं यहाँ से लेके दिल्ली तक जो सिलेक्ट हुए हैं, वरना बाकी सब साउथ इंडिया ये दर्जे सिलेक्शन होता है उस होटल में, और पहला 7-स्टार होटल बनने जा रहा है इंडिया का। अगर मैं अपनी तरफ से थोड़ा कहना चाहूँ तो ये कहूंगा कि कोई भी प्रश्न आए, कोई भी क्वेश्चन हो आपके एग्जाम में, छोड़ के मत आना। एक क्वेश्चन छोड़ना आपको रेस में कई गुना पीछे ले जाएगा। आपको अगर टॉपर्स की रैंक में रहना है, आपको आगे निकलना है, उसके लिए आपको सभी प्रश्न करने होंगे। स्टेप मार्किंग है, सबको पता होगा स्टेप मार्किंग है, तो छोड़ के मत आना। अगर आपको किसी पर्सन के बारे में कुछ आता है, उसके बारे में आपको नॉलेज है, मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें बोला गया है कि इसका अर्थ बताइए, परिभाषा और विशेषताएं, आपने देखा कि इसमें तो मुझे विशेषताएं पता ही नहीं है, और आपने उस वजह से छोड़ दिया, पर आपको उसका अर्थ और परिभाषा तो आती थी। अगर आप वो 2 भी लिखें या आपको विशेषता नहीं पता है, आपको नंबर मिलेंगे जरूर। तो रेस में पीछे नहीं रहना है, रहना सबसे आगे, इसका ध्यान रखना। दूसरा, ये आगे जाके सब ग्रेजुएशन करेगा कोई, या 10th वाले बैठे हैं, अपनी स्ट्रीम चुनेगा कि हमें करना क्या है। किसी ने सरकारी नौकरी के बारे में सोचा कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है आगे जाके, है कोई ऐसा सरकारी नौकरी के लिए? आई है बात, देखो प्राइवेट नौकरी कॉलेज भी लगवा देगा, आप कॉलेज में जाओगे आपका प्लेसमेंट करा देंगे। मैं एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बताता हूँ, कोई एवरेज स्टूडेंट है, फैमिली देख के बताता हूँ मैं, एवरेज फैमिली है, आप आगे 12th करने के बाद में तुरंत, या 10th कर रहे हैं, तुरंत आप सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाएं।